बात पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसलों की। पंजाब विधानसभा का सत्र 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा और कल हुई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया और इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। बुधवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। पंजाब में अब एसी वर्ग की तर्ज पर पिछड़ी श्रेणियों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पंजाब के छोटे उद्योगों को 4.99 प्रति यूनिट बिजली देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साल 2016-17 के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को सब्सिडी के रूप में 29.97 करोड़ अदा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा विधानसभा का 13वां सत्र 5 से 9 सितंबर तक होगा। सरकार ने सस्ते घर बनाने के दौरान लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी में 50% की छूट दी है। इसी तरह नए फ्लैट के स्टाम्प ड्यूटी में 20% की छूट दी गई है। कैबिनेट ने हल्दी को वैट मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जीरा, धनिया, अजवाइन और काली मिर्च पर लगने वाले 6.87% वैट को घटाकर 4.4% करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से सरकार को हर साल 35 से 45 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। इसके अलावा कैबिनेट में औद्योगिक जमीन को गैर औद्योगिक कामों में उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग और रेडिकल ग्रुप से संबंधों की जांच की मांग की है। सुखबीर बादल का आरोप है कि रेडिकल ग्रुप के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी के फंडिंग और चरमपंथियों से संबंध को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ चरमपंथी दल लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर रहे हैं और केंद्र को आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर गंभीरता से जांच आगे बढ़ानी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के साथ सारे रेडिकल ग्रुप्स अलाइन हो गए हैं। एंड आई एम सेइंग विद रिस्पांसिबिलिटी। नो, आई एम नॉट सेइंग टेररिज्म, आई एम सेइंग they have aligned with them. Government of India should clearly investigate the funding of Aam Aadmi Party. सुखबीर बादल की माने तो रेडिकल गुट के लोग लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल किया कि बेअदबी मामले में आपके विधायक का नाम आने के बावजूद गर्म ख्याली नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। The radical groups of Punjab have been regularly meeting Kejriwal. What is the purpose of a Delhi chief minister meeting radical groups in Punjab? Radical groups di support ohna di statement Bhai Mokam Singh te jinne aa jehde tusi ikkal dekhya hona hai jadon beadbi kiti aam aadmi party Guru Granth Sahib ji Maharaj di kise vi radical group te khaas karke jehde panch jathedar ohna ne fraud banaye si kise ne ohna nu condemn nahi kita। इससे पहले भी सुखबीर बादल आम आदमी पार्टी को मिलने वाली फंडिंग और रेडिकल गुटों से संबंधों को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। डिप्टी मुख्यमंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं, सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए तो वहीं सुखबीर बादल को जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी देर नहीं लगाई और पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने सबूत सामने लाने की चुनौती दी। सुखबीर बादल पहले भी ये बयान दे चुके हैं, इस बार उन्होंने बयान दोहराया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर दोहरा जुबानी हमला बोल दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप पांडे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पंजाब के डिप्टी सीएम को सबूत सामने लाने की चुनौती दी और ऐसा नहीं करने की सूरत में बेबुनियाद बयान देने से बाज आने की नसीहत भी दी। आरोप लगाने से बाज आना चाहिए, जो भी एलिगेशन है उसमें एविडेंस प्रस्तुत कीजिए, जनता के सामने उठा के जेल में डाल दीजिए। आप ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है। उधर अमृतसर में वकील और आम आदमी पार्टी के नेता एचएस फूलका ने सुखबीर को निशाने पर लेते हुए उनके बयान की खिल्ली उड़ाई। सुखबीर बादल नु मैं भी रेडिकल लगता जी, उन्होंने आप भी रेडिकल लगते ने। सुखबीर बादल से कहने का की है,
बिल्कुल बेबुनियाद कोई दम नहीं। दरअसल अकाली दल और कांग्रेस सूबे में सियासी खाता खोलने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी पर पंजाबियों को गुमराह करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया अमृतसर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने लुधियाना में आरएसएस नेता जगदीश गगनीचा पर हमले को पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा के परिवार और डॉक्टरों से मुलाकात की। इस दौरान गगनेजा की सेहत में हो रहे सुधार के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस नेता को साजिश के तहत निशाना बनाया गया है और कुछ ताकतें चुनाव के मद्देनजर शांति भंग करने की कोशिशों में जुटी हैं। और जिन्हें लोगों ने किया है उसके पीछे साजिश है पंजाब की अमन शांति को भंग करने वास्ते। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ने बताया कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल कोई भी बयान देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, our teams are working, 10 separate special teams लगी हैं, सारियां चीज़ों को असी रीफ डिज़ाइन करके सारा देख रहे हैं। सो हले मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता एट दिस पॉइंट बिकॉज बड़ी क्रूशल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। जगदीश गगनेजा पर शनिवार को जलंधर में जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर पंजाब बीजेपी नेता सूबे के सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश का आरोप लगाया। सुखबीर बादल का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि आईएसआई पंजाब को अशांत करना चाहती है, इस मकसद से कुछ बड़े नेताओं को टारगेट किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बेअदबी कराने के मामलों के लिए भी आईएसआई को आड़े हाथों लिया। आईएसआई का बहुत बड़ा प्लान है टू डीस्टेबलाइज पंजाब बिफोर द इलेक्शंस। दे वांट टू उन्होंने प्लान बनाया है कि इंपॉर्टेंट एक तो लीडर्स नू टारगेट किया जाए, सेक्युलरिज़ कराई जान। उधर कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी सुखबीर के दावे को सही ठहराया है। मजीठिया के मुताबिक पाकिस्तान काफी समय से पंजाब और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में जुटा है। कई प्लेटफॉर्म्स में इस बात को बार बार उठाया गया, दीनानगर का इंसिडेंट हुआ, पठानकोट का इंसिडेंट हुआ। ये एक वेल प्लान्ड पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है और जो रेडिकल्स बाहर बैठे हैं उनके साथ मिलके ये सारा कुछ हो रहा है। सूबा सरकार इसलिए भी चिंतित है क्योंकि सूबे में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे समय में बाहरी ताकतें माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश कर सकती हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बीते साल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले की हर खबर पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाई थी और ये 8 तस्वीरें अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्टिंग की जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने। बेअदबी मामले में हमारे खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से भी सवाल पूछा गया और इसी कार्यक्रम में अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान का पक्ष भी दिखाया गया। मामले की जांच के लिए बने जोरा सिंह कमीशन की हर अपडेट भी आप तक पहुंचाई गई। जनता और गुरुद्वारा प्रबंधकों के जागरूक होने की खबर दिखाई गई, सीसीटीवी लगाने की तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन दुर्भाग्यवश बेअदबी की तस्वीरें लगातार सामने आई। पूरी संजीदगी के साथ आपको हर एक खबर से रूबरू करवाया गया। मलेरकोटला धर्म ग्रंथ बेअदबी मामले पर भी हर अपडेट संजीदगी के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने दिखाई।